अभी हम पहुंच चुके हैं बलद। محمد وآل محمد الله سجد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع المرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آگے سب بسم الله مثل أهل بيتي كمثل سفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها وغرق। हमारे और आपके सरवरे कायनात हज़रत ख़त्मे मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद, आपका इरशाद ग्रामी है कि हमारे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया और जो इसमें सवार नहीं हुआ वो गर्क हो गया और फना हो गया। जिस शख्सियत और अजीम मुशान अजीमुल मर्तबत खानदान इस्मत व तहारत से ताल्लुक रखने वाले फर्दे बशर के हरम मुतहर में हमारा तशरीफ लाए हैं, ये अहले बैत के घराने की बहुत अजीम शख्सियत है जिनका नाम अबू जाफर है, लेकिन इन्हें सैयद मोहम्मद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि बाप कोई दुनियावी बाप नहीं है, बल्कि हुज्जत खुदा, वली खुदा, इमाम वक्त, हमारे और आपके दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ये भाई हैं और हमारे और रात के आखिरी इमाम हुज्जत खुदा मेहदी मऊद हजरत इमाम जमाना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की ये चचा हैं। ये हुआ एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, एक तारुफ, एक उड़खान, एक पहचान कि ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं डायरेक्ट। ये भी नहीं कि कोई वासला हो, कोई फासला हो, बीच में कोई गैप वगैरह, नहीं, डायरेक्ट इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं। सबसे बड़ी फजीलत की बात तो ये है कि आप रिवायत में मिलता ये है, और जैसा कि अल कलानी जो है वो रिवायत नकल करते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं
आया और इनके बारे में मैंने मालूमात की तो इस इराक में बिलखसूस बगदाद और काजमैन में आपका बचपन से ही बड़ा दौर दौरा था। सबसे बड़ी बात यह कि आप बहुत खूबसूरत थे, दूसरे ये कि आप बहुत अक्लमंद होशियार और तेज दिमाग के थे, इस्तेदाद आपकी बहुत बुलंद थी। क्यों? उसकी वजह यह थी कि डायरेक्ट इमाम नकी अलैहिस्सलाम तरबियत कर रहे थे, कोई दूसरा तरबियत नहीं कर रहा था, इमाम मासूम आपकी तरबियत कर रहे थे। और चूँकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के आप बड़े भाई थे, लिहाजा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो है वो एक स्वास से सीरिया नामी एक जगह के ऊपर आप वहाँ पर थे, लिहाजा आप अपने वालिद के साथ रहते थे। और इस कदर इल्म और हिल्म, बुर्दबारी, तकवा, इबादत, परहेजगारी, फरूतनी, तवाज़ो, इनकसारी, यानी जो सिफात अहले बैत के अंदर पाई जाती थी वो तमाम सिफात का मजमुआ सैयद मोहम्मद के अंदर पाया जाता था। लोग इनके इल्म, तकवे, इबादत को देख करके आपस में कहते थे कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद हो सकता है कि यही हमारे 11वें इमाम हो। इस कदर आपका दर्जा बुलंद था जो लोग इनके इमामत के कायल होने लगे थे। लेकिन चूंकि इनकी वफात जो है खुद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ही ज़माने में हो गई और आपने अपने ही इमामत के ज़माने में अपने बेटे इमाम हसन असगर अलैहिस्सलाम की तरफ इर्जा दिया। अच्छा, जाहिर सी बात यह भी है कि लोगों को पता नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला आ गए और मदीने में जनाब मोहम्मद हनफिया बाकी रह गए तो लोग क्या समझते थे कि मोहम्मद हनफिया ही जो है वो हमारे तीसरे इमाम हैं। लेकिन बाद में जब चौथे इमाम की इमामत का ज़माना आया है तो आप सबको पता है कि इमामत की गवाही के लिए, हुज्जत खुदा की गवाही के लिए एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि जो इंसान की अक्लों से परे होता है, इंसान उसे समझ नहीं सकता। दुनिया की आम शय नहीं बल्कि खाने काबा में जनाब इब्राहिम के हाथों से नस्ब किया हुआ हजर अस्वद आगे बढ़ करके इमाम के सलाम का जवाब दिया, वो फैसला करने वाला था। मोहम्मद हनफिया भी आगे बढ़े और चौथे इमाम भी आगे बढ़े और फैसला ये हुआ कि हजर अस्वद जिसके सलाम का जवाब दे देगा वो इमाम कहलाएगा। यानी कायनात का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही देता है कि इंसानों को भले शऊर न हो इमाम को पहचानने का, लेकिन जर्रे जर्रे को, पत्थर को, नबातात को, शजरात को और हजरात को, सबको इमाम की मार्फत है। ये हकीकत है। इसी तरीके से लोग सैयद मोहम्मद की इमामत के कायल हो गए थे। क्यों? इसलिए कि तकवा बहुत बुलंद था, इबादत गुजार थे, आमिन थे। आपको पता है इनके हरम में किस्मत का सताया हुआ इंसान अगर आ करके सिद्ध के दिल से, हमारे यहाँ शर्त क्या है, खुलूस होना चाहिए, किसी का इम्तिहान नहीं लेना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग आकर के अहले बैत का इम्तिहान लेने लगते हैं, देखते हमारा ये काम होता है कि नहीं होता है। होता है ना भाई, 40 दिन हमको ये काम कराना है तो हम ज़ारते आशूरा पढ़ेंगे, यानी अगर वो काम नहीं हुआ तो ज़ारते आशूरा साइड में लग गई। इसका मतलब ज़ारते आशूरा का अपना कोई माने ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको ये सोच के पढ़ना ही नहीं है, हमको ये सोच के अमल करना ही नहीं है, हमको बस ये फिक्र रखनी है कि ये चीज़ हमारे मफाद में है और कयामत तक हमें इस पर अमल करना है, तब तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हम इम्तिहान लेने लगे, ये 40 दिन हो गया, 39वां दिन हो गया, हमारा काम पूरा क्यों नहीं हुआ। इनके दयार में लोग आते हैं, आ करके इनसे लोग अपनी मुनाजात करते हैं। परवरदिगार आलम ने एक इमाम के बेटे होने की वजह से, एक इमाम के भाई होने की वजह से, एक इमाम के चचा होने की वजह से सारी फजीलतें यकजा कर दिया। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अपनी मन्नत मुरादे करते हैं, साल भर भी नहीं गुजरता है उसकी वो मन्नत मुरादे पूरी हो जाती है। ये कब है? जब इंसान अपने आप को तकवे को साला मनाने पर फाइज कर दे। और सबसे बड़ी फजीलत की बात क्यों है, परवरदिगार ने ऐसे फजीलत नहीं दे दी इन्हें, नहीं, जब तक बहयात रहे अपने बाबा को बाबा नहीं समझते थे बल्कि हुज्जत खुदा समझते थे, इमाम वक्त समझते थे। जानते थे कि इमाम हसन अस्करी इस्लाम मुझसे छोटे हैं, लेकिन ये बात जहन में रखते थे कि नहीं, वलिय खुदा इमाम हसन अस्करी ये मैं नहीं हूँ।
जब इंसान के अंदर ये आ जाएगा कि ये इंसान मुझसे बड़ा है, तो परवरदिगार आलम ऑटोमेटिक जो है वो खुद उसके अंदर वो सलाहियत पैदा कर देता है, उसके तुफैल में जो फजीलतें उन्हें मिलती हैं वो इन्हें भी मिल जाया करती हैं। वजह क्या है? ताबेदारी, इत्तबा, पैरवी, पीछे पीछे चलना, बातों पर अमल करना, ये सबसे बड़ी बात ये है। तो सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा मर्तबा कि इमाम के बेटे, इमाम के भाई और इमाम के चचा, यहाँ तक के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तारीफ किया करते थे, इल्म में, फजीलत में, कमालात में सैयद मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। एक इमाम तारीफ कर रहा है, इमाम जमाना तारीफ करते थे अपने चचा की, इसलिए नहीं करते थे कि मेरे चचा हैं वो, मेरे बाबा के भाई हैं वो, नहीं, अपने आप को इल्म कमाल के उस मनारे पर फायज किया था सैयद मोहम्मद ने। आप लोग में से बेहतर जानते हैं, जो लोग हर साल आते हैं यहाँ, आते हैं लोग इनके नाम से, इनके दयार में कुर्बानी करते हैं। मुझे याद है साल आए गुज़िश्ता कुछ अफराद आए थे, मैं समीर भाई वगैरह जो हैं, इन्होंने यहाँ पर कुर्बानी भी की थी। लोग आते हैं कुर्बानी करते हैं, किस गरज से? कोई मरीज है, कोई लाचार है, कोई शफायाब नहीं हो रहा है, इनके नाम से, इनका वास्ता दे करके। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास इमामत का होता है, नहीं, इमाम नहीं है ये, लेकिन अपने आप को उस मंजिल पर पहुंचा दिया है कि जो करामात परवरदिगार ने इमाम को अता किया है वो इन्हें भी अता कर दिया है। इस वजह से लोग यहाँ पर आने के बाद कुर्बानी पेश करते हैं, इनसे दुआएं करते हैं, मुनाजात करते हैं। परवरदिगार की बारगाह में हम दुआ को हैं कि परवरदिगार तेरा सतशोक कि तूने ऐसी हस्तियों के दरबार में हमें आने का शरफ अता किया है, और परवरदिगार हमारी इस ज़ियारत को कबूल फरमा लेना है।